अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? नूडल्स बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत शौक से खाते हैं, तो आज हम एक स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं नूडल्स की, जो बच्चों और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपनी पसंद की वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है या जो बच्चों को पसंद है वो आपने लेके उनको बॉयल कर लेना है। मैंने मटर और गाजर लिए हैं, हाफ़ कप मटर है, हाफ़ कप गाजर है। इनको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है और इनको बॉयल करते करते ही मैंने नूडल्स का एक पैकेट लेके उसको नूडल्स को छोटा छोटा कर लिया है ताकि बच्चों के लिए इजी रहे खाना। तो मैं इनको तोड़ के छोटे छोटे पीसीस करके फिर ही मैं इनको बनाती हूँ। वेजिटेबल्स को बॉयल करने के बाद आपने ठंडे पानी से उनको एक बार वॉश करके रख लेना है और उसके बाद आपने पानी बॉयल रखना है नूडल्स के लिए। जब पानी में बबल्स बनने लगें तो आपने नूडल्स ऐड कर देने हैं और उनको एक बार मिक्स करके अच्छी तरह से। तो फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट और नूडल्स का जो स्पाइसेस का पैकेट होता है वो इसमें डाल देना है। अब थोड़ी देर के लिए हम इनको पकने देंगे। जब नूडल्स तकरीबन हाफ पक जाएंगे देन हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल ऐड करने के बाद इनको मिक्स करें और इनको अच्छी तरह से पकने दें। जब अच्छी तरह से ये कुक हो जाएं, वेजिटेबल्स सही से गल जाएं, देन इट्स रेडी। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद एक बार आपने सॉल्ट चेक कर लेना है, अगर कम या ज़्यादा हो तो कम हो तो फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं होगा। अब देखिए, जब पानी बिल्कुल कम रह गया है और वेजिटेबल्स और नूडल्स अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, देन हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको डिश आउट कर लेंगे। नाउ इट्स रेडी टू ईट, वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी एंड वेरी स्पाइसी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।